आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है? चार विकल्प है हमारे पास। पहला विकल्प है निषेधवाचक, दूसरा विकल्प है संकेतवाचक, तीसरा विकल्प है विधानवाचक, चौथा विकल्प है आज्ञावाचक। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य के परिभाषा के अनुसार ये समझ लीजिए, जब कोई एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, कोई एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, तो ऐसे वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, गीता के आने पर रागिनी के चला जाना, यानी गीता के आ जाने पर रागिनी के चला जाना निर्भर है, इसलिए संकेतवाचक वाक्य है। बाकी वाक्यों की बात कर ले, निषेधवाचक वाक्य है नहीं, क्योंकि निषेधवाचक वाक्य में ना, मत, न या नहीं जैसे शब्द आते हैं, जो कि इसमें नहीं है। विधानवाचक वाक्य में किसी एक क्रिया के होने का बोध होता है, किसी एक क्रिया के होने की बात होती है, किसी एक क्रिया के करने या होने की बात होती है, क्रिया को करने या होने की बात होती है, करने या होने की बात होती है, या होने की बात होती है, किसमें? विधानवाचक यानी विधिवाचक वाक्य में। ठीक है, आज्ञावाचक में आज्ञा यानी आदेश का भाव होता है, आज्ञावाचक वाक्यों में आदेश का भाव होता है, जो कि इस वाक्य में नहीं है, इसलिए सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन बी होगा, संकेतवाचक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।